हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर गुड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कलर कोड्स ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का है प्लस टू फिजिक्स का कलर कोड्स और साइड बाय साइड हम अब क्या करेंगे पार्ट वन की जो बुक है फिजिक्स की और पार्ट टू की साइड बाय साइड चलेगी ताकि बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी सारी रिविजन हो जाए तो ये टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं कलर कोड्स तो कलर कोड्स आजुल में क्या होते हैं कि आपको कलर दिए होते हैं ठीक है और आपने उनमें से क्या निकालना है उस ओम्स लॉ के बैंड्स को पहचानना है कि वो कौन से नंबर पे आते हैं बट वो आप वो पहचानोगे कैसे तो जैसे कि ये बनाया है बी बी आर ओ वाई बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू तो लर्न तो आप इसको क्या करोगे इसको लर्न कर लोगे बी बी रॉय ठीक है जी किसी का नाम है बी बी रॉय इसको सीरीज़ में लर्न करना आप इसको चेंज नहीं कर सकते बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ठीक है जी बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ठीक है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो बीबी रॉय है किसी का नाम है बी बी रॉय कहाँ का है वो ग्रेट ब्रिटेन का हैज अ वेरी गुड वाइफ हैव अ वेरी गुड वाइफ इतना सा लर्न हो गया ठीक है अब इसको सीरीज में इसके कलर्स याद करने हैं स्टार्टिंग कौन सी है ब्लैक से है बी बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे एंड वाइट और अगर आपको गोल्ड सिल्वर या कोई भी कलर ना आए तो आपको ये परसेंटेज लिखनी पड़ेगी कि गोल्ड फाइव परसेंट है सिल्वर टेन परसेंट है और जब कोई कलर ना आए वो ट्वेंटी परसेंट होता है ठीक है जी थी? तो ये समझ आ गया बट इसकी नंबरिंग क्या होंगी बी की जीरो से स्टार्ट होगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको तो फिर लाइन वाइज आप ही दोगे सेवन एट नाइन तो ये आपके पास कलर्स है ठीक है तो इसमें से इतनी सी बात समझ आ गई बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कलर्स दे दिए और कलर्स ये आपके सामने हैं आर से रेड ओ से ऑरेंज वाई से येलो ये आपको लर्न हो जाएंगी इजीली ठीक है फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पे चार बैंड्स यूज़ होते हैं ठीक है ठेके? अब इन बैंड्स को हम बनाते कैसे एक्चुअल में ये देखो आपको ना एक बैंड दिया होगा सिंपल ऐसा बना देती हूँ मैं कोई बात नहीं ये होता है उसमें क्या है आपके पास कलर्स दिए होंगे जैसे ये कलर है ये भी एक कलर है ये भी एक कलर है और ये भी एक कलर है ठीक है जी इसको मैंने नंबर जैसे कलर्स देने इस बैंड को मैंने एक को दे दिया ग्रीन एक को दे दिया येलो ठीक है एक को दे दिया ब्लू और लास्ट में लिख दिया मैंने गोल्ड या सिल्वर ठीक है ये नो no कलर कुछ भी हो सकता है तो चार बैंड है ये ए बी सी डी हम इसको नाम दे देते हैं ठीक है तो जो ए और बी है सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं ये दो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो रेजिस्टेंस होती है ओह में हम लिखते हैं इसको हम एक्चुअल में इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए बी ठीक है A, B, जी ए बी इन टू टेन डिपासी प्लस माइनस डी अब ये यहाँ से समझो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ से कलर निकालेंगे कलर दिए होंगे उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वो देखेंगे ए बी इंटू टेन पास सी प्लस डी तो ए बी सी डी हमारे पास चार पैंडस हैं ए और बी का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस बताता है कि उसकी कितनी वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे फिर सी जो हमने लिखा है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो इस वजह से हम मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको ठीक है जी और प्लस माइनस डी डी क्या होती है टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस कि कितना उसमें टॉलरेंस पावर है इतनी सी बात तो अभी पहला कलर कौन सा है ग्रीन है ये फार्मूला यूज़ करना है इसमें बस याद रखना ये फार्मूला चेंज नहीं होगा ग्रीन आपको बोलेंगे कलर कोड निकालो आपको ये दिया होगा और उस अकॉर्डिंग आपने निकालना है तो ग्रीन कौन से नंबर पे आप देखोगे ग्रीन फाइव नंबर पे है तो आप यहाँ पे ए में क्या लिख दोगे फाइव बी मतलब सेकंड बैंड येलो येलो कौन सा कलर है आपके पास सॉरी नंबर फोर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर फिर उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई टेन पावर सी सी मतलब नेक्स्ट बैंड कौन से कलर का है ब्लू कलर का है तो ब्लू कौन सा है सी सिक्स ठीक है तो पावर कितनी है सिक्स प्लस माइनस डी डी क्या है गोल्ड और गोल्ड की कितनी परसेंटेज है फाइव परसेंट है तो आप यहाँ पे लिख दोगे फाइव परसेंटेज तो ये आपका आंसर निकल आया तो ऐसे ही आपने इसको कैलकुलेट करना ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको कलर्स दिए होंगे बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ पर आता है सीरीज़ में ये सीरीज आप लर्न कर सकते हो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव हाँ अ वेरी गुड वाइफ ठीक है तो आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आए कैसे हुए हैं सो यस आप ये देख सकते हो क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है टू थाउजेंड एंड थर्टीन में कि कलर कोड बताओ कार्बन रजिस्टर्स के लिए एग्जाम्पल्स दे के तो देखो जी सारा पहले मैंने आपको समझा दिया ए बी सी डी होते हैं और ये टेबल आपको समझा दिया बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर और नो no कलर ये भी आपको परसेंटेज समझ आ गई ये आपको एक एग्जाम्पल देनी है कई बार ये दी हुई ये डायग्राम दिया हुआ आता है और आपको बताना है कि कौन सा है तो आपको कलर देखो ए बी सी डी चार दे दिए आपको रजिस्टोर्स तो ए में कौन सा कलर है ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर किस नंबर पे आता है फाइव नंबर पे तो आप क्या लिख दोगे फाइव लिख दोगे या मैं साइड बाय साइड लिख देती हूँ फाइव सेकंड क्या है वॉयलेट कलर और वॉयलेट कलर किस नंबर पे आता है सेवन कलर पे तो आप लिख दोगे सेवन ए और बी हो गए और उसके बाद मल्टीप्लायर लगाते हो आप ठीक है टेन द पावर सी सी पे कौन सा कलर है ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर किस नंबर पे है थ्री तो टेन दी पावर कितनी हो जाएगी थ्री फिर प्लस माइनस अब हम डी लगाते हैं डी क्या है सिल्वर है और सिल्वर की कितनी परसेंटेज है टेन परसेंट है तो ये आपको समझ आ गया फॉर्मूला एक याद रखना है ए बी इंटू टेन दि सी प्लस माइनस डी और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए आई होप टू वीडियो इज यूफुल फॉर यू थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वन फॉर गेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल